साथियों, शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर आदेश आना हुए प्रारंभ, देखते हैं किन नियमों और शर्तों के साथ इन शिक्षकों को ट्रांसफर दिया गया। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 31/8/2023, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग दिनांक 8/9/2022 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत अमले के स्थानांतरण हेतु निर्धारित नीति के तहत निम्नांकित लोक सेवकों को उनके नाम के सम्मुख तालिका में कॉलम क्रमांक 7 एवं 8 में अंकित संस्था एवं जिले में समान सामर्थ्य एवं वेतन मान के स्थानांतरित कर स्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है। तो इन शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ है, इनके नाम दिए गए हैं, डाइस कोड विषय कार्य संस्था का नाम नवीन, पद स्थापना का जिला, युक्त स्थानांतरण निम्न शर्तों के अधीन रहेगा। संबंधित लोक सेवक का स्थानांतरण आदेश जारी होने पर उनकी ई सेवा पुस्तिका में स्थानांतरण आदेश में उल्लेखित जानकारी का मिलान करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही कार्यमुक्त किया जाए। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संकुल प्रभारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। स्थानांतरित लोक सेवा नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने के उपरांत अगले दिवस पर स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण करेगा तथा इसकी लिखित सूचना संकुल केंद्र के माध्यम से विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को देना सुनिश्चित करेगा। स्थानांतरित लोक सेवा का संवर्ग यथा स्थिति जिला एवं संभाग परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित की वरिष्ठता नवीन पद स्थापना वाले जिले संभाग में स्थानांतरण उपरांत कार्यभार ग्रहण दिनांक से निर्धारित होगी। राज्य संवर्ग के लोक सेवकों की वरिष्ठता यथावत रहेगी। स्थानांतरित लोक सेवक अपना समस्त कार्यभार सौंपने के उपरांत ही कार्यमुक्त होगा। यदि संबंधित लोक सेवक अध्यापक संवर्ग का है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन समारोह में नियुक्ति नहीं हुई, ऐसी स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। संबंधित लोक सेवक जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित शाला में कार्यरत तो उसका स्थानांतरण स्कूल शिक्षा विभाग में मान्य नहीं होगा, यह आदेश स्वतः ही निरस्त होगा। कार्यमुक्त होने के पश्चात नवीन पद स्थापना का कार्यभार करने के मध्य की अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जाएगा। तो यह था म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।